एज के बाद इट्स वेरी नॉर्मल. आई यूज्ड टू हैव इतने लंबे बाल, मुझे याद है. हाँ, कितने मशहूर होते थे. मैं तो बालों की वजह से मशहूर थी. बिनिश का फर्स्ट हेयर कट मैंने किया. हाँ, कितना घना बाल था सब. बहुत ठीक है, अब खत्म हो गया, छोटा कर दिया. सो यू नो, आप ड्रैग नहीं करते, जबरदस्ती जवान नहीं रहना है. और अपनी एज के साथ ग्रेसफुली अपना स्टाइल चेंज करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. अगर आप चाहते हैं कि आप हर एज में ग्रूम्ड लगे. बिल्कुल, हेयर कट्स आर आई थिंक. हम एज को तो रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को ग्रेसफुली आपने एज के साथ लेके चलना है. कितनी कितनी सारी हम कहते हैं कि बड़ी उम्र की खवातीन होती है, तो वो कितनी उनकी ग्रेस होती है, कमरे में आती है तो उनका एक 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 पसोना होता है जिससे अट्रैक्ट होते हैं आप. जरूरी नहीं है कि टीनेज गर्ल बैठी होगी उनके सामने, लेकिन जो ग्रेस, जो डोमिनेशन उस पर्सनालिटी की होगी, वो टीनेज गर्ल कितनी भी उसकी टाइट स्किन हो नहीं नजर आएगी. तो आपका, आप जब एज करते हैं तो आप अपनी एज के साथ पूरी पर्सनालिटी को लेके ग्रो करते हैं. इसलिए कि उसका रीजन है ना कि जब आप टीनेज में होते हैं ना, तो आप बड़े एक्सपेरिमेंटल होते हैं अपने स्टाइल, अपने फैशन को लेके. एक बच्ची 17 साल की है, उसे पता ही नहीं है कि मुझ पे क्या अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा नहीं लग रहा. बट वो मिस्टेक्स कर करके जब 30 क्रॉस कर लेती है, तो उसको पक्का पता होता है कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं अच्छा लग रहा. सो अगेन कम्स द सेम थिंग कि आपने अपनी एज के साथ साथ लर्न करना है कि क्या चीज़ मेरे पे अच्छी लग रही है और क्या चीज़ मेरे पे अच्छी नहीं लग रही. एंड आफ्टर 35 आई थिंक देर इज़ नो हार्म इन कटिंग योर हेयर, एंड स्पेशली आपकी स्किन केयर के लिए. मैं कहूँगी मेकअप की जहाँ तक बात है, मैच्योर स्किन को लेके आप समझें कि 50% उसका जो दारो मदार है वो आपकी स्किन है. और समझें कि जैसे आजकल तो बहुत छोटी छोटी बच्चियां भी स्किन प्रेप के बगैर तो मेकअप स्टार्ट नहीं करती, वो वाला दौर आ चुका है. लेकिन मुझे लगता है कि इसकी सबसे ज़्यादा जो नॉलेज है ना, वो एज स्किन को होनी चाहिए. अगर आपने 30 क्रॉस कर लिया है, आप मालूम करें कि आपकी स्किन का टाइप क्या है, आप मालूम करें कि आपके लिए नाइट क्रीम कौन सी सूटेबल है. आप सनब्लॉक के बगैर ना निकलें, क्योंकि जैसे जैसे आप एज कर रही हैं आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं. सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट्स.